हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज के सेशन में मार्केट में तूफानी तेजी देखने को मिली। सारे रेजिस्टेंस और सारे लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक आउट देते हुए दिखे। आप सभी ने देखा, निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 18,000 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देखो। मार्केट में बहुत सारे वक्त आते हैं जाते हैं, मार्केट ऊपर से 16,400 तक का लेवल दिखाया, 18,600 से इनफैक्ट 15,600 तक का लेवल दिखाया आपको, और मार्केट आज आपकी दोबारा वहीं आ गई। हुआ क्या कि 6 महीने का कंसोलिडेशन हुआ, गिरावट हुई, डर बना, फियर हुआ, लोगों ने अपनी पोर्टफोलियो भी खाली करी, बट पैसा उसी ने बनाया जो बच के रहा, जो अपने डटा रहा एक जगह पैर जमा के। तो मार्केट कुछ नहीं है, देखिए लॉन्ग टर्म स्टोरी का सीन है मार्केट। आपका पैसा बनेगा अगर आप मार्केट में बने रहोगे, लेकिन आप क्या अगर छोड़ के चले गए तो आप लॉस लेके चले जाओगे। ठीक है, अभी मैं शेयर के बारे में बात करूं तो शेयर की बात करें, आज करूंगा IRCTC के स्टॉक के बारे में बात। और आपको याद होगा फ्राइडे के सेशन में ही मैंने वीडियो बनाई थी और आपसे क्लियर बोला था कि स्टॉक में मोमेंटम में आ रहा है, स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 800 रुपए पे खड़ा है। अगर 810 के ऊपर जैसे ही निकलेगा ये शेयर, जो कि अगर स्टॉक ने नीचे जाना है दोबारा घूम के तो वो 810 के नीचे से ही घूम जाएगा, लेकिन 810 का ऊपर निकलते ही ब्रेकआउट जैसे ही देगा वैसे ही स्टॉक 840 मारेगा। और मैंने थंबनेल पे भी यही लिखा था, मैंने कुछ इधर उधर की हवाबाजी नहीं, डायरेक्ट यही लिखा 810 का रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही 840 पे अटैक है स्टॉक का। और आज आप लेवल देखिए, अब आपको यार मार्केट ऊपर है तो मार्केट ऊपर नहीं है मेरे भाई। आज केवल दो स्टॉक थे जो मार्केट को ऊपर लेके चले गए, अदरवाइज आप देखो स्टॉक क्या भागे हैं। बैंक निफ्टी 4% अप है, कौन सा स्टॉक है जो 4% अप है बैंक निफ्टी में? आप एक्सेप्ट HDFC बैंक और HDFC को अगर आप फाइनेंशियल में से हटा दो तो आप मुझे बताओ ना कौन सा बैंक, ICICI भागा, एक्सिस भागा, कौन सा गया, कोटक भागा? कुछ नहीं भागा। भागा क्या? केवल आपका HDFC भागा, और अकेला वो इतना पावरफुल है, वेटेज रखता है कि वो आपकी बैंक निफ्टी को 4% ऊपर कर गया। आज सेम टू सेम निफ्टी के साथ हुआ है, 2.5% है, लेकिन वेटेज किसका है? HDFC बैंक का और HDFC के शेयर का। अदरवाइज आप स्टॉक मार्केट में जाओगे आपको शेयर देखने को मिलेंगे 2% 1% की तेजी, क्योंकि ब्रॉडर तेजी होगी ना। जब लोगों को क्या है, लोगों को खबर नहीं पता, स्टॉक नहीं पता, उन्हें दिख रही है मार्केट तेज है तो बाइंग बन रही है, बाइंग बनने के कारण तेजी हो रही है। मैं बात करूंगा IRCTC के स्टॉक के बारे में, स्टॉक की बात करूं 832 के लेवल्स पे क्लोजिंग दिया, लेकिन जो मेरा टारगेट था आपका 840 इंट्राडे, 837.70 का हाई लगाया स्टॉक ने, डे हाई पे बंद हुआ है। और ऐसा नहीं है कि गैप अप ओपन हुआ, पहली बात तो मैंने मार्केट आवर्स में IRCTC पे वीडियो बनाई थी, आपको बाय करने का पूरा मौका मिला है, नहीं भी करा तो आज भी मिला है। मार्केट गैप अप हुई लेकिन स्टॉक नहीं हुआ था, ओपन हुआ 803 के लेवल्स पे, यानी कि 810 का ब्रेकआउट इसने ओपनिंग में भी नहीं दिया, और 810 रुपए पे स्टॉक पूरे दिन नहीं आया है। देखिए स्टॉक निकला है आपका 1:15 के बाद 810 के ब्रेकआउट के बाद, और उसके बाद स्टॉक में जो तेजी बनी है आपने देखा कि 1:15 पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, और 3 स्टॉक आपका 835 के पार आ गया, तो वन साइडेड तेजी देखने को मिली है। हुआ क्या कि काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक, देखिए जब से फॉल में आया 800 रुपए के नीचे निकला तब से नीचे 700 770 740 780 फिर 740 ये लेवल में फंस गया था, निकल ही नहीं पा रहा था, लेकिन ब्रेकआउट जो दिया अब ये स्टॉक यहां नहीं रुकेगा, अभी भी नहीं रुकेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टॉक मिनिमम टारगेट इस स्टॉक का आपका 860 तक ये स्टॉक जाना चाहिए, डायरेक्ट वन वे रैली। मुझे लगता है कल भी ये स्टॉक एक्शन में रह सकता है चार्ट के अकॉर्डिंग, कहीं भी अगर आप टारगेट देखोगे तो 860 रुपीज तक ये स्टॉक मुझे जाता हुआ दिख रहा है। देखिए अगर आपने इस स्टॉक में पोजिशन ले रखी है, लॉन्ग टर्म का क्या व्यू होना चाहिए, क्या टारगेट, और शॉर्ट टर्म में अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कौन से लेवल्स होंगे जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सबसे पहले न्यूज मिले। सेकंड थिंग, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं अपस्टॉक पे, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, काम करके देखिए 1 महीने पैसा कैसे कमाना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, पैसा कैसे निकलेगा वो हम आपको सिखाएंगे, आपको नॉलेज प्रोवाइड होगी, स्टॉक में स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आएगी आपकी, आप जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी हैंडल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, IRCTC देखिए स्टॉक के टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिख रहे हैं, जो मैंने आपको इंट्राडे में दिया था। सेकंड, मैंने आज UFO मूवीज पे भी 110 रुपए पे 110.50 पे शेयर ट्रेड कर रहा था, वहां भी आपको मैंने कहा वो एक स्टॉक है जो मल्टी वैगर हो सकता है इन लेवल से, और इंट्राडे में आपको मैंने कहीं ना कहीं जब 4-5% ऊपर तक आता 7% तक ऊपर जा सकता है शेयर, चार्ट बहुत अच्छा हो रहा है स्टॉक में, वहां भी 114 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है आप सभी को। उसके बाद दोबारा 112 1.5 के करीब बंद हुआ है,
बट उसके लिए मैं आपसे कहूंगा अगर आपकी पोर्टफोलियो में है तो उसे बनाए रखिए, टाइम दीजिए उस शेयर को, वो आपको इतना बड़ा पैसा बना देके देगा कि बस आपने कुछ सोचना ही नहीं है। अभी कभी कभार छोटे स्टॉक्स वहीं घूमते रहते हैं लेकिन जब पैसा बनाते हैं तो बहुत बड़ा बना देते, तो आप होल्ड करिए उसे भी। IRCTC टारगेट होगा 860 का। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मोनोपोली बिजनेस है कंपनी का और आगे आउटलुक काफी शानदार है। वंदे मातरम की 175 ट्रेन जो है, कहीं ना कहीं आपने सुना था निर्मला सीतारमन जी को कि उन्होंने कहा था कि नई ट्रेनें चलेंगी, 75 नई ट्रेनें चलेंगी जब बजट आया था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो IRCTC खुद की ट्रेन चलाता है वो भी उन ट्रेन में भी इंक्रीज हो रही है, कुछ इंक्रीजमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं बढ़ रही है वो ट्रेनें भी। और कैटरिंग का बिजनेस कहीं ना कहीं आप देख रहे हो प्री कोविड लेवल्स के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। टिकट बुकिंग तो सरपास कर गया है प्री कोविड लेवल्स को, तो काफी शानदार है आउटलुक। बस अभी जो 30% की जो टिकट का उनका रेवेन्यू होता था ऑनलाइन टिकट बुकिंग, वो हट गया है, इसलिए स्टॉक में आपको प्रेशर देखने को मिला। अदरवाइज ये स्टॉक अभी तक आपको 1000 लेवल के पास पार दिखता है। अगर वो जो उन्होंने 30% का जो डायरेक्ट, अभी क्या पहले सारी टिकट ऑनलाइन बुक हो रही थी कोविड के चलते, अभी आपको जो 30% का कोटा होता है जो आप स्टेशन पे जाके ले सकते हैं वो अब अवेलेबल हो गया है, तो वहां से जो रेवेन्यू आता था वो हट गया। तो मैं आपको बता दूं वो पहले भी हटा हुआ था जब स्टॉक भागा था, अभी एक्स्ट्रा ऐड हुआ था क्योंकि कोविड के टाइम, तो वो एक्स्ट्रा हटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले भी IRCTC वैसे ही चलता था, आज भी वैसे ही चलेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं तो 1400 का मेंटेन कर रखा है मैंने टारगेट, वो आपको स्क्रीन पे आता है, वो जरूर दिखेगा अगले एक साल में। तो ये मेरी वीडियो IRCTC के शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।